अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम किरी कैंपस। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम न्यू एक्टिविटीज़ फ्रॉम द प्राइमर ए बुक। आर यू रेडी? लेट्स ओपन द पेज नंबर 63। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑन द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है? देन वी विल रीड द कैप्शन। फोनिक प्रैक्टिस। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। रीड, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, थ्री लेटर वर्ड्स हैं, फोनिक के वर्ड्स हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं फोनिक की बुक पे। हम इसको पढ़ेंगे और फिर इन वर्ड्स को हम करेक्ट बॉक्सेस में लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, एट, इन, एन, ओग, अन। तो हमने ये वाले जो वर्ड्स हैं, एट वर्ड्स हमने इसमें से ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं, इन वर्ड्स हमने यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज बैट। बैट, बैट, हम बैट को यहाँ पे लिखेंगे, ब एट बैट, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है? टिन, टिन, डॉग, डॉग, कैट, कैट, एंडिंग साउंड एट है ना, एट वर्ड्स हैं ये, तो हम कैट यहाँ पे लिखेंगे, क एट, कैट, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड रन। टेन, बन, पिन, बोग, रैट, ये एट वर्ड है ना, रैट, र एट, रैट, यहाँ पे रैट लिख के हम इस रैट को क्रॉस कर देंगे। लोग, फन, पेन, बिन, फैट, ये भी एट वर्ड है, फैट, हम फैट को यहाँ पे लिखेंगे, एट, फैट, इस वाले फैट को हम क्रॉस कर लेंगे। फैन, किन, फोग, सैट, ये भी एट वर्ड है, स एट, सैट, हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, स एट, सैट, इसको हम क्रॉस कर देंगे। सन, हैन, फिन, विन, हैट, ये भी एट वर्ड्स हैं, एंडिंग साउंड एट है, तो हम हैट को भी यहाँ पे लिखेंगे, ह एट, हैट, ठीक है बच्चों, इस हैट को हम क्रॉस कर देंगे। कोक, नन, मैन, जॉग, पन, डेन, एडवर्ड्स ख़त्म हो गए, यहाँ से हमने एडवर्ड्स को क्रॉस कर दिया और सारे एडवर्ड्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट वर्ड है इन, तो सबसे पहले टिन, हम इसको क्रॉस करेंगे और नीचे लिख देंगे, ट, इन, टिन। डॉग, अब एडवर्ड्स जो हमने क्रॉस कर दिए हम उसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हम उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे। रन, टेन, बन, पिन, पिन, पिन को क्रॉस करेंगे और पिन हम नीचे लिख देंगे। बोग, लोग, फन, पेन, बिन, ये भी इन वर्ड है, हम इसको भी नीचे लिखेंगे, ब इन, बिन। फैन, किन, ये भी इन वर्ड है, हम इसको भी क्रॉस करेंगे और इसको भी हम नीचे लिखेंगे। फोग, सन, हैन, फिन, फिन को भी हम क्रॉस करेंगे और नीचे लिखेंगे, इन, फिन। और नेक्स्ट वर्ड विन, विन को भी क्रॉस करेंगे और विन हम नीचे लिखेंगे। तो देखा बच्चों, टीचर ने टू आपको
करके दिखाए हैं। अब इसी तरह आपने बाकी के वर्ड्स पढ़ते जाना है। सबसे पहले एन वर्ड्स को आपने ढूंढ के लिखना है, ठीक है, और उसको यहाँ से क्रॉस करना है और नीचे लिखना है। उसके बाद फिर आप ओग वर्ड्स को ढूंढेंगे, जैसे ये डॉग, लोग, बोग, तो आप ओग वर्ड्स में ओग वर्ड्स लिखेंगे और यहाँ से क्रॉस करते जाएंगे। लास्ट में आप अन वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है, जो बाकी रह जाएंगे, फिर ऊपर से क्रॉस करते जाएंगे, नीचे लिख देंगे। इसी तरह हमारे ये ऊपर वाले सारे वर्ड्स क्रॉस हो जाएंगे और फिर हम नीचे सारे वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है। अच्छी मज़ेदार एक्टिविटी है, आप लोगों ने खुद से रीडिंग करनी है और ख़ुद से साफ साफ अपना काम करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 64। यहाँ पे भी हम सबसे पहले डेट मार्क करेंगे और कैप्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसका मतलब है ये क्या है। दिस का मतलब होता है ये, इस का मतलब होता है, व्हाट का मतलब है क्या, ये क्या है, ठीक है। रीड, लेट्स रीड, व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट इज अ रैट, ये चूहा है। वॉल के पीछे चूहा छुपा हुआ है ना, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट इज अ रैट। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट इज अ कप, इट इज अ कप। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज अ क्लॉक, इट इज अ क्लॉक। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज अ हैट, इट इज अ हैट। तो बच्चों देखा आपने, ये क्वेश्चन आंसर है। पहले पूछा जा रहा है कि ये क्या है, फिर उसका आंसर बताया जा रहा है कि ये कप है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह रीडिंग करनी है। जैसे जैसे आप वर्ड्स पढ़ेंगे, आप उस वर्ड के नीचे फिंगर रखेंगे, ठीक है, पिक्चर पे आपने फिंगर नहीं रखनी। एक दफा फिर से रीडिंग करते हैं, व्हाट इज दिस, इट इज अ रैट, व्हाट इज दिस, इट इज अ कप, व्हाट इज दिस, इट इज अ क्लॉक, व्हाट इज दिस, इट इज अ हैट। ये सेंटेंस आपको खुद से पढ़ने आने चाहिए। इसी तरह आप घर में भी कैजुअल ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। थ्री लेटर वर्ड्स हम पढ़ेंगे और फोर लेटर वर्ड्स को हम कट कर देंगे। रोब, रोट, नोट, जॉब, होप, ये वाले नीचे वाले हम कट कर देंगे। खट, खप, जट, टब, मट, ये वाली लाइन भी हम कट कर देंगे। तो देखा बच्चों, इस पेज पे जस्ट आपने रीडिंग करनी है और बहुत अच्छे से रीडिंग करके आपने इस पेज को याद करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पे बच्चों, राइट, राइट इट मींस कि आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप डेट मार्क करेंगे ऊपर, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, ये एक दरख्त है। आ कहते हैं एक चीज के साथ, ठीक है, आ या एन एक चीज के साथ लगता है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये आपने सेंटेंसेस में आ और एन का यूज करना है और आंसर लिखने हैं। व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपने क्वेश्चन की ट्रेसिंग करनी है, वर्ड लिखा हुआ है और आपने इज लिखना है, दिस लिखना है।
और एंड पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? इट इज अ पॉट। इट, अब यहां पे हम आंसर लिखेंगे, इज गैप देके आ और पॉट। इट इज अ पॉट। और जब सेंटेंस एंड होता है तो लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, व्हाट लिखा हुआ है, आपने लिखना है इज दिस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला साइन लगाते हैं, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। इट इज अ पेंसिल, इट लिखा हुआ है, अब हम बाकी का सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, इज गैप देके अ पेंसिल। और एंड पे फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, इज दिस, क्वेश्चन है तो एंड पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है? इट इज अ कैट, इट लिखा हुआ है, इज गैप देके आ फिर गैप देके कैट। मामा की हेल्प से आपकी काम करेंगे, स्पेलिंग मामा आपको बताएंगी, आप अच्छे से याद भी करेंगे। अब यहाँ पे 3 लाइंस हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस भी आपने खुद बनाने हैं और 3 आंसर्स भी आपने खुद बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज गैप देके इज फिर गैप देके दिस, व्हाट इज दिस, तो क्वेश्चन है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट इज दिस, दिस इट इज अ विंडो, तो यहाँ पे हम इट भी खुद लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे आई, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से होता है। इट इज अ विंडो, विंडो, और जब सेंटेंस एंड होगा तो हम उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस आंसर के एंड में सेंटेंस एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट इज दिस, ऊपर से देख के आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो क्या है ये बच्चों? गॉट, वेरी गुड, इट इज अ गॉट, एंड पे फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, ऊपर से देख के आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इट इज अ कार, फिर एंड पे फुल स्टॉप। तो ये बच्चों आपको देखा कितना मजे का काम है क्वेश्चन आंसर, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको मजे मजे की न्यू एक्टिविटीज हर वीक में करने को मिल रही हैं। आपने अच्छे से पेज की रीडिंग करनी है, नीटली अपना होमवर्क करना है और ये आपके पूरे वीक का काम है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।